दुष्कर्म की आड़ में युवतियों का शोषण कर रहे एक ढोंगी बाबा का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी साल भर से 3 युवतियों का शोषण कर रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आश्रम में छापेमारी करके युवतियों को आजाद कराया। बलौदाबाजार के बाबा का मायाजाल, पुलिस की रेड में काली करतूत का खुलासा। 3 युवतियां बाबा की कैद से हुई आजाद। पुलिस ने साधु बने शैतान को किया गिरफ्तार। बलौदाबाजार में साधु का भेष रखे एक शैतान की ऐसी काली करतूतों का पर्दाफाश हुआ, जिसे सुनकर लोगों का सर शर्म से झुक जाए। धर्म की आड़ में अधर्म का मायाजाल फैलाए कस्टोड इलाके में अपनी पाप की लंका बसाने वाले ढोंगी बाबा रजनीश दुबे के गुनाहों का पुलिस ने रेड डालकर खुलासा कर दिया। सागर के रहने वाले आरोपी रजनीश ने कस्टोड में आश्रम बना रखा था, जिसमें 3 युवतियां कैद करके रखी थी। पुलिस ने रेड डालकर 3 युवतियों को भी ढोंगी बाबा की कैद से आजाद करा दिया है। ये कसडोल थाना क्षेत्र में एक झपड़ी गांव है, वहाँ एक रजनीश दुबे नामक व्यक्ति के द्वारा एक आश्रम संचालित किया जा रहा था, जहाँ रहने वाली कुछ महिलाओं के द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत की गई थी। इस शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है थाना कसडोल में। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि झपड़ी गांव में आश्रम खोलकर बैठा ढोंगी बाबा धर्म और सत्संग की बातों की आड़ में युवतियों के साथ छेड़छाड़ करता है। शिकायत मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और बीती रात आश्रम में छापा मारकर आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने बाबा के चंगुल से जब युवतियों को आजाद कराया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। ग्राम झपड़ी में आश्रम है, वहाँ के रजनीश दुबे जी अभी संचालक है, उसी का भागवत सत्संग सुनने के लिए जाते थे, वहाँ कुछ समय तक रहते भी थे। वहाँ वो कुछ अश्लील बातें हरकतें करते थे। कितने दिनों से आप थे वहाँ पे? झपड़ी आश्रम तो ज्यादा दिन बना नहीं हुआ है, 1 वर्ष हुआ है। और कितने महिलाएं वहाँ पे और हैं अभी वर्तमान में? उनका छत्तीसगढ़ में कई जगह आश्रम है, तो अलग अलग जगह सब लोग रहते हैं। क्या क्या होता था आप लोगों के साथ वहाँ? वही गलत बातें गलत हरकतें करते थे। कुछ मूवी अगर अभी बना हुआ है क्या? जी नहीं बना है, कुछ नहीं बना है। साधु का भेष रखकर लोगों के विश्वास को छलने वाला आरोपी रजनीश दुबे सागर का रहने वाला है, जिस पर भगवान के दर्शन कराने के नाम पर युवतियों के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप है। रजनीश दुबे को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है, साथ ही उसके आश्रम से मिले लैपटॉप मोबाइल सहित बाकी सामान की भी बारीकी से पड़ताल जारी है। धारा 354 उपधारा 1 और 506B और इसके साथ ही तत्काल जो रजनीश दुबे हैं आरोपी, इनको अभी हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। मामला काफी समय से इस तरह की घटनाएं ये कर रहा था लड़कियों के साथ में, तो झिझकवश ये नहीं बता पा रहे थे, कई बार ये डरा धमका करके इनको रोक लेता था, बट आज हिम्मत करके महिलाएं आकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष अपनी बात बताए थे। इस पर तत्काल संज्ञान लेके कार्रवाई की गई है। कसडोल इलाके में ढोंगी बाबा ने 8 महीने पहले ही आश्रम बनाया है। उसने बलौदाबाजार की 2 युवतियां सहित नेपाल की 1 युवती को आश्रम में रखा था, जिन्हें पुलिस ने मुक्त करा दिया है, लेकिन बाबा की करतूत सामने आने के बाद इलाके में सनसनी जरूर मच गई है। हवालात के लिए कस्टोड से केशव साहू की रिपोर्ट। बिजनौर के देहात इलाके